क्या हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक नॉर्मल सेल पैदा होता है, ग्रो करता है, अपना काम करता है और मर जाता है, जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। जब ये नॉर्मल सेल एपोप्टोसिस या मरना भूल जाता है और सिर्फ ग्रो और डिवाइड करता रहता है, तो इसे कैंसर सेल कहते हैं। ऐसा होता है जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से। तीन प्रकार के कैंसर सेल्स होते हैं, ट्यूमर ऑन्कोजिन्स, जिनके स्विच ऑन होने की वजह से कैंसर होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जिनके स्विच ऑफ होने की वजह से कैंसर होता है, एंड डीएनए रिपेयर जीन्स, जिनके स्विच ऑफ होने की वजह से कैंसर होता है। और आप ताज्जुब करेंगे कि सिर्फ 5% जेनेटिक म्यूटेशन इनहेरिटेड है। एपिजेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो जीन्स के एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होने के इफेक्ट्स को स्टडी करती है बिना डीएनए सीक्वेंस में चेंज आए। और कई एनिमल एंड ह्यूमन एपिजेनेटिक स्टडीज से पता चला है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल और डाइट की गलतियों को ठीक करें तो हम इन म्यूटेशंस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। म्यूटेशंस होने के मेन कारण हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी या मोटापा, एक लो फाइबर डाइट खाना जिसमें सब्जियां और फ्रूट्स कम होते हैं, एक हाई डेयरी या मीट डाइट खाना, सिडेंटरी लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज की कमी, और कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स जैसे यूवी रेज, एक्स रेज और एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर हो सकता है। और इन्हीं फैक्टर्स पे काम करके हम कैंसर को प्रिवेंट और ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जयंत शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन, साइकोथेरेपी कंसल्टेंट, लाइफस्टाइल इंप्लीमेंटर एंड एन अल्ट्रा मैराथनर, आपको एक डिटेल्ड वेबिनार के लिए इनवाइट करता हूँ जो है आने वाले शनिवार शाम 6 बजे। बाकी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं।